नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे स्ट्रेस और डिप्रेशन से कैसे बचना। स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचने के लिए डेली इतना एक्सरसाइज करें कि आपको खूब स्वेटिंग हो जाए, खूब पसीना हो जाए। सबसे पहले तो याद रखें, डेली इतना एक्सरसाइज या हैवी वॉक लेना है कि आपको पसीना निकले, जिससे बॉडी के सारी निगेटिव एनर्जी बाहर आ जाए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, डेली इतना एक्सरसाइज, निगेटिव एनर्जी बाहर आ जाए। इसके अलावा आप योग मुद्रा आसन करें। योग मुद्रा मतलब सिंपल, सवा आप सुखासन में बैठ जाएं, जैसे सुखासन में बैठते हैं, हाथ को पीछे इस तरीके से कलाइयों को पकड़ लेंगे और सांस को बाहर निकालकर माथे को जमीन में टच करना है। योग मुद्रा आसन, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके सारे चक्र जागृत होंगे, नाभि चक्र जागृत होगा आपका। इसके अलावा वीरासन करें डिप्रेशन से बचने के लिए, इस तरीके से ऐसे। इसको दोनों पांव पे कर सकते हैं वीरासन को। प्लस वीरासन के अलावा दोस्तों, आप इस तरीके से दोनों पांव को फैलाकर त्रिकोण आसन करें ऐसा ऐसा। और डिप्रेशन से बचने के लिए इस तरीके से आप डिप्स भी कर सकते हैं, फुल डिप्स ऐसा। इसको काउंट करके आप कर सकते हैं 50 टाइम, 100 टाइम्स। इसको फास्ट भी कर सकते हैं आप इस तरीके से, इससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी और निगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी। और डिप्रेशन से बचने के लिए भ्रामरी प्राणायाम आप अवश्य करें, स्ट्रेस से बचने के लिए इस तरीके से। और दोनों हाथों को आपस में रख करके आंखों पे लगाएं, चेहरे पे, कान पे, गर्दन पे, गले में, और इस अंगूठे के एक्यूप्रेशर को उसको प्रेस करें। इससे भी आप डिप्रेशन से बचेंगे, स्ट्रेस से बचेंगे। एक्यूप्रेशर प्रेस करना है आपको। शिवलिंग मुद्रा करें, दाहिने हाथ के अंगूठे को ऐसा खड़ा करके बाएं हाथ इधर डाल के बाकी फिंगर्स वापस फंसा के इसको कड़क दबा के रखना है, कड़क दबा के शिवलिंग मुद्रा। इससे भी आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचेंगे दोस्तों। और ओंकार जप अवश्य करें, इस तरीके से सुखासन में बैठ के ओम शब्द का उच्चारण करें, 5 बार 10 बार कर सकते हैं आप। और स्ट्रेस से बचने के लिए दोस्तों आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ध्यान के लिए हमारी पूरी सीडी है, आप उसमें से कोई भी ध्यान चुन सकते हैं। तो ध्यान अवश्य करें, विपासना कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं। और डिप्रेशन से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए नींद भरपूर लें, साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। और मेटाबॉलिज्म अच्छा रखें, खान पान पर ध्यान दें, अकेले में कभी ना बैठे, लोगों के बीच में रहें। जिनको आप अपना गुरु समझते हैं, इष्ट मित्र समझते हैं, उनसे अपने मन की बात जरूर शेयर करें। जो भी आपको तकलीफ है किसी से जरूर कहिए, अकेले में ना बैठें, अकेले मन मन में सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बिजी रखें, लोगों के बीच में रखें। आशा और उम्मीद कि अगर आप इतना करेंगे तो आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से अवश्य बचेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।